तो अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, पसंद करते हो, तो आपके घर में मछली है या लाने वाले हो या बचपन में रखा था, शौक अभी भी है, कोई भी एक ऑप्शन तो जरूर है भाई। आज बाबा मयूर देव आपको कहते हैं कि आपका अगर एक्वेरियम का मनोकामना पूरा होना है तो बाबा मयूर देव के चैनल पे सब्सक्राइब करो, फटाफट जाओ बच्चा, रेड बटन दबाओ और अपना मनोकामना पूरा होते हुए देखो। हमने कुछ दिनों पहले ना एक फिश फूड के बारे में वीडियो बनाया था और उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन था जो ऑलरेडी वीडियो में था लेकिन क्वेश्चंस पूछे गए और आज मैं एक बहुत ही सरल तरीके से वो क्वेश्चंस का आंसर आपको देना चाहता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। इसके लिए ना आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखो, कुछ भी नहीं समझोगे, ठीक है। तो अगर आपके घर में मछली है, अगर आप मछली लाने वाले हो और एक्वेरियम रखने की इच्छा रखते हो, तो भाई पहला चीज, जो भी आप फिश रखते हो या है वो कुदरती है या नहीं है, और अगर कुदरती है तो कुदरत में खाना क्या खाता है, ये आज का होमवर्क है, ठीक है। तो ये वीडियो खत्म होते ही देखो कि आपके पास कौन सा मछली है, बार्ब है, रेनबो है या टेट्रा है, और गूगल में सर्च करो कि What does my fish eat in nature? मतलब What does tetra fish eat in nature? Okay? और ये समझो कि वो खाना क्या है। ये सबसे बड़ा important information है, जानना है, ताकि हम उसके बिना पर अपने फिश को क्या खिलाना है वो हमें समझ में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मिस मत करना, जरूर करना ये काम मेरे लिए, ओके, डोंट फॉरगेट टू डू दिस, ओके। नाउ बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है, सर मेरा ये फिश है, कितना खिलाऊं, कब खिलाऊं, एक बार खिलाऊं कि दो बार खिलाऊं, चार बार खिलाऊं, छह बार खिलाऊं। मैं एक सिंपल नुस्खा बताता हूं, ठीक है, लेकिन वीडियो के अंत पर, लेकिन वीडियो के एंड में, ताकि आप पूरा वीडियो देखें, ओके। नाउ जरूरी पॉइंट्स, ओके, सिर्फ पांच पॉइंट है, सिर्फ पांच। ओवर फीडिंग मत करो, जरूरत से ज्यादा खाना मत डालो, तो अगर आपने खाना डाला और आपके मछली ने जितना चाहिए खा लिया और खाना रह गया, फ्लोट हो रहा है या टैंक के नीचे है, तो मतलब आप खाना ज्यादा खिला रहे हो। कम करो खाना, उतना ही खाना डालो जितना मछली खा सके। आप अपने हेल्थ के लिए हफ्ते में एक बार उपवास रखते हो, जैसे मंडे को शिवजी के लिए, थर्सडे को बाबा जी के लिए, किसी के लिए भी, तो एक दिन हफ्ते में फिश को भी उपवास रखो, ठीक है, शिवजी के लिए होने दो, बट उपवास एक दिन रखना, एक दिन खाना मत खिलाओ, उनको अच्छा है। जैसे उपवास करने से हमारे लिए
हेल्थ इंप्रूव होता है, मछली के लिए भी होता है। एक दिन रेस्ट दो, ठीक है, वो पेट को थोड़ा आराम दो। तो एक दिन हफ्ते में आपका चॉइस, खाना मत खिलाओ, ओके, याद रखो ये। अभी आपके पास बड़े मछली है तो उनको खाना ज्यादा लगेगा, छोटे मछली है खाना कम लगेगा, बड़े मछली या छोटे मछलियों के बच्चे हैं तो खाना अलग टाइप या कम लगेगा। अगर बड़े मछली है तो दिन में दो बार, अगर बच्चे हैं तो दिन में तीन चार बार, लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा नहीं। ओके, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। हम अगर ओवर ईट करते हैं तो बदहजमी होगा, पेट खराब होगा। फिश के लिए भी सेम है भाई, सिस्टम सेम है। वो कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं आए कि जितना आप डालो खा ले, नहीं होता ऐसा। जितना पचता है उतना ही खा सकता है, इंसान हो या मछली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट नुस्खा है। नाउ अगेन ये प्रॉब्लम होता है कि ये खाना अच्छा है क्या, वो खाना अच्छा है क्या। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज वीडियो पूरा देखो। मैं बहुत मेहनत करता हूं पूरा इंफॉर्मेशन वीडियो में डालने के लिए, ठीक है। रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं, और वो कैसे समझाना है वो भी मैं सोच समझ के प्लान करके आपको समझाता हूं। तो प्लीज वीडियो पूरा देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, खाना कौन सा देना है। तो अगर आपको ये मालूम नहीं है कि वो कुदरती क्या खाता है, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि अभी आपके टैंक में क्या खाना देना चाहिए। ठीक है, तो वो होमवर्क क्या देना, करना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो हमेशा फिश जितने भी वैरायटी के हो, ज्यादातर नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। ओ बिरयानी नहीं प्लीज, हेलो, ठीक है। नॉनवेज मतलब छोटे श्रिंप, ठीक है, वर्म्स, ये सब कुदरती खाते हैं। तो वो हिसाब से प्रोटीन वाला खाना, तो जो भी आप पैकेट लेते हो उसमें आपका फिश का फोटो होगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, आपको अगर ऑस्कर को खाना खिलाना है तो ऑस्कर का फोटो होना चाहिए उसके ऊपर, फिर उसको घुमाओ और पढ़ो प्रोटीन कितना है। प्रोटीन 40% अगर है या ऊपर है तो अच्छा है। दूसरा, ऐश कितना है पढ़ो, ऐश कम है तो अच्छा है। ऐश वो चीज है जब फिश खाना खाता है और वेस्ट निकलता है ना, वो वेस्ट को ऐश बोलते हैं। अगर वेस्ट ज्यादा निकलता है तो ऐश परसेंटेज ज्यादा, ठीक है, वो लिखा रहता है पीछे, वो पढ़ो, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। एक और क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, मेरे पास बड़े मछली है और छोटे भी है, खाना जब डालता हूं तो बड़े खा लेते हैं और छोटों को मिलता नहीं है। उसके लिए भी एक टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है। खाना जो है स्प्रेड करके डालो, जैसे बड़ों को यहां पे डाल दिया, देखो आ गए, और छोटों को इस तरफ डाला, दिखाता हूं, ठीक है, देखते रहो। तो ये मैंने खाना लिया है और बड़े फिश को इस तरफ डाल रहा हूं टैंक का, ठीक है, इधर डाला, वो लोग आ गए, और छोटे फिश को मैं यहां पे फिल्टर के नीचे, फिल्टर के पास, यहां पे मेरा फिल्टर पाइप है, ओके, और मैं यहां पे डाल रहा हूं ताकि वो पाइप के फोर्स के वजह से खाना नीचे चले जाए और ऑटोमेटिकली सबको मिलने लगेगा। अभी जैसे थोड़ा खाना नीचे गया है, अभी जैसे आपको दिख रहा है थोड़ा खाना नीचे गया है, और ये लोग छोटे को भी मिल रहा है, बड़े भी खा रहे हैं, ये देखो छोटे को भी मिल रहा है,
ये बेसिक आइडियाज है, सिंपल टेक्निक्स है। तो सेम मेथड, अभी गोल्डफिश है मेरे पास, बड़े छोटे, ठीक है, और मैं खाना डालूंगा टैंक के दो तरफ। ओके, सिंपल सा, ये सिंकिंग फूड है, बहुत इजी है। और जब मैं स्प्रेड करके डालूंगा, जैसे अभी मैं हाथ लगाऊं तो बड़े वाला फर्स्ट आता है, ठीक है, वो नेचुरल है। तो मैंने यहां पे थोड़ा डाल दिया, ठीक है, और यहां पे भी थोड़ा डाल दिया। अभी इस तरफ छोटों को मिल रहा है और यहां पे बड़ा खा रहा है, ठीक है। ये बड़े वाला हमने उसको, ये जो बड़ा वाला है उसको स्विम ब्लैडर डिजीज हुआ था, हमने पीस भी खिलाया था। अब देखो मस्त घूम रहा है, खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो अभी फाइनली मैंने बोला था कि आपको एक नुस्खा सिखाने वाला हूं, अभी उसका टाइम आ गया, मैं अभी सिखाता हूं। बहुत सिंपल है। आपने कितने लोगों ने अपने अनिल कपूर साहब है ना, फिल्म एक्टर, ठीक है, वो मस्त स्मार्ट दिखते हैं, बुढ़ा आदमी लेकिन यंग जवान। अनिल कपूर साहब का एक गाना है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, वो याद रखना हमेशा, जब भी खाना खिलाने वाले हो ये गाना दिमाग में बजना चाहिए। क्यों? 1 fish 2 times 4 दाना, मतलब एक फिश के लिए दिन में 2 बार 4 दाना बस। वन टू का फोर, सेम 4 2 का 1 भी मतलब वही है, 4 दाना दिन में 2 बार एक फिश के लिए। तो जब भी खाना खिलाओगे 1 2 का 4, 4 2 का 1 बजना चाहिए। 1 2 का 4, 4 2 का 1, तब आपको हमेशा याद रहेगा कि इतना ही खाना खिलाना चाहिए, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खाना वैसा सेलेक्ट करो जो आपके मछली के मुंह में फिट हो। छोटे मछली के लिए बड़ा दाना मत देना, ठीक है, निवाला मुंह में जाना चाहिए। आप भी ऐसा इतना मोटा देके खाते नहीं हो। ठीक है, ज्यादातर हम जो करते हैं ना वो फिश के लिए भी लागू होता है भाई, इसको हम जनरल कॉमन सेंस बोलते हैं। वेरी वेरी इजी, इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, डरने का बात नहीं है, ठीक है। तो आज अगेन आशा करता हूं कि ये आइडियाज, ये टिप्स आपको पसंद आता है, और पसंद आता है तो बाबा मयूर जी का बात मानो, और बच्चा फटाफट सब्सक्राइब करो और आपका मनोकामना एक्वेरियम के बारे में पूरा होगा, ठीक है। एंड मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे टीम की तरफ से, एज ऑलवेज थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर। बाबा का बात मानो बच्चा, ओके, एंड पानी साफ रखो, अच्छा खाना खिलाओ, हेल्थी फिश, हैप्पी यू, बाय।